सब्सक्राइब करें गीतांजलिस क्लासिक कुजीन को, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट अपडेट के लिए। आज की रेसिपी है चिली इडली, बहुत ही मज़ेदार स्पाइसी और परफेक्ट स्नैक्स की रेसिपी। नॉर्मली इडली को हम सांभर और चटनी के साथ खाते हैं, लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा इडली बच जाती है, तो इस रेसिपी को आप ट्राई करें, एकदम मज़ेदार सी रेसिपी है और सबको बहुत पसंद आएगी। चिली इडली बनाने के लिए यहाँ पे मैं ले रही हूँ 6 इडली और उसे इस तरह के पीसेस में कट कर रही हूँ। तो आपको जैसा पसंद है आप लंबाई में भी कट कर सकते हैं इसे, और जितना बड़ा आपको रखना है आप इसे रख सकते हैं। तो सारे इडली को इस तरह से पहले कट कर लेना है। वैसे बची हुई इडली की हम बहुत सारी रेसिपीज़ बनाते हैं, पर ये वाली ना बहुत ही मज़ेदार है और बच्चों को भी बहुत पसंद आती है। तो देखिए इस तरह से कट करना है आपको। अब एक पैन में हम डालेंगे 2 चम्मच तेल और उसे गर्म करना है। इसके बाद इसमें डालेंगे 4 से 5 लहसुन जिसे चॉप कर लिया है मैंने, 1 इंच अदरक के टुकड़े को भी हमने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है, और 3 हरी मिर्च डाल रही हूँ। स्पाइसी आप अपने अनुसार रख सकते हैं, आपको जितना तीखा पसंद हो आप इसमें डाल सकते हैं। इसे अब फ्राई करना है हमें, और अब प्याज को हमने इस तरह से कट किया है, वेजेस में कट किया है, और इसे भी फ्राई कर लेना है। फ्लेम को हाई पे रखें क्योंकि हमें स्टिर फ्राई करना है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 शिमला मिर्च, इस तरह से स्क्वायर टुकड़ों में कट करें इसे भी। और सब्जियों को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, हमें स्टिर फ्राई करना है यानी क्रंची ही रखना है। अब इसमें डालें डार्क सोया सॉस, आप कोई सा भी सोया सॉस डाल सकते हैं। डार्क सोया सॉस मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच, और इसके बाद 2 चम्मच डालें टोमेटो केचप, इसे भी मिक्स कर लें। और 1 चम्मच मैं इसमें यूज़ करूँगी रेड चिली सॉस, पर आप ग्रीन वाली चिली सॉस भी डाल सकते हैं या सेजवान चटनी भी इसमें डाल सकते हैं। अब इसे मिक्स कर ले बढ़िया से, फ्लेम को हाई पे ही रखना है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, और मैं ड्राई वाली चिली इडली बना रही हूँ तो थोड़ा ही पानी डाला है मैंने। अब इडली को भी इसमें डाल लें, अगर आपको ग्रेवी वाली चाहिए तो थोड़ा ज़्यादा पानी डाल सकते हैं। अब मिक्स कर लें इसे, और अब स्वाद के अनुसार नमक डालें, मिक्स कर लें। और अब हमें इसमें मिक्स करना है कॉर्नफ्लोर वाली स्लरी, यानी 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर लें और उसे पानी में घोल करके इसमें मिक्स करें। कॉर्नफ्लोर ना हो तो आप अरारोट पाउडर ले सकते हैं, या फिर मैदा को भी घोल करके इसमें मिक्स कर सकते हैं। इससे क्या होता है इडली पे एक अच्छी सी कोटिंग आती है सारे सॉसेज की। तो बस चिली इडली बनकर तैयार है। अगर आपके पास स्प्रिंग अनियन है यानी हरा वाला प्याज तो उसे आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप धनिया की पत्तियों से भी इसे गार्निश कर सकते हैं। तो है ना बहुत ही स्पाइसी, चटपटी और मज़ेदार रेसिपी, इसे ट्राई ज़रूर करिएगा और कमेंट सेक्शन पे अपना फीडबैक भी हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो इस तरह की और भी मज़ेदार रेसिपी देखने के लिए सब्सक्राइब करें गीतांजलिस क्लासिक कुजीन को, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें लेटेस्ट अपडेट के लिए। और आप मुझे फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।